तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मऊ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में ममता दीदी लोकतंत्र विरोधी मानसिकता में बंगाल में सब कुछ कर रही हैं। दीदी का रवैया तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, अब इसे पूरा देश भी देख रहा है। अलवर गैंगरेप को लेकर उन्होंने मायावती पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले राजस्थान के अलवर में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप किया गया था। वहाँ भैंची के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चल रही है। कांग्रेस की सरकार ने चुनाव को देखते हुए उस दलित बेटी के साथ हुए इस राक्षसी अपराध को छिपाने की कोशिश की थी। बंगाल में भड़की हिंसा के दो दिन बाद आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में एक बार फिर से कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने हिंसा को बढ़ावा दिया है, जबकि हम प्रचार के जरिए विपक्ष पर हमला करते हैं। ममता राज में हमारे करीब 60 कार्यकर्ताओं को मारा गया। ईश्वर चंद विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़े जाने पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विद्यासागर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। हम लोग तो गेट के बाहर सड़क पर थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अलवर गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मेरे लिए अलवर गैंगरेप का मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दा है। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया। राहुल ने कहा, पीड़िता को न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कल कहा, अच्छा होगा अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार चलाने के लिए कांग्रेस नेता के नाम पर आम सहमति बने, लेकिन हम इसे कोई मुद्दा नहीं बनाने जा रहे। अगर कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की पेशकश नहीं की गई, तो हम किसी और नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। आजाद ने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र ध्येय केंद्र में एनडीए को सरकार बनाने से रोकना है और गैर एनडीए सरकार बनाना है। बिहार में आज बीजेपी के साथ ही जेडीयू ने बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा कि राष्ट्रपति को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बंगाल हिंसा के बाद आज बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी ने अपील की कि अभी जो एक्शन लिया गया है वो काफी कम है। बंगाल में लगातार हिंसा बढ़ रही है। टीएमसी के गुंडे लगातार बंगाल में हमले कर रहे हैं। टीएमसी के गुंडों को हिरासत में लेना चाहिए। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मारपीट की थी। इस बात का खुलासा डिफेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन के साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन ISI ने उनके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनसे पूछताछ के दौरान अभद्र बातें भी की गई थी। अभिनंदन के मुताबिक करीब 40 घंटे तक ISI ने उनसे पूछताछ की। आगे उन्होंने बताया कि पहला वीडियो जिसमें वो चाय पी रहे थे सही है, लेकिन दूसरा वीडियो जो उन्हें रिलीज करने के बाद जारी किया गया था वो फर्जी है। CBI के एक बयान ने JNU से गायब चल रहे छात्र नजीब के मामले को नया मोड़ दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI से सवाल पूछा था कि वो नजीब को जिंदा मानती है या मृत। इस पर CBI ने कहा कि नजीब को आखिरी बार अपने एक साथी के साथ हॉस्टल से जाते हुए देखा गया है, वो खुद से गया है। आपको बता दें, नजीब की माँ फातिमा ने कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसके बाद उन्हें क्लोजर रिपोर्ट तो दे दी गई है, लेकिन कॉल डिटेल्स नहीं दी जा रही है। गौरतलब रहे कि नजीम 2016 से JNU के हॉस्टल से गायब है। फातिमा का आरोप है कि नजीम के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लड़कों ने मारपीट की, उन्हीं लोगों ने नजीब को गायब किया है। आज सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर खालिद समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है। दलीपोरा इलाके में हुए इस एनकाउंटर में सुरक्षा बल का एक जवान भी शहीद हो गया है, साथ ही एक नागरिक की भी मौत हो गई है। हमले में सेना के 2 जवान सहित 3 लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें, जैश कमांडर खालिद 2017 के लेतपोरा हमले का मास्टरमाइंड है। कल देर रात जयपुर दिल्ली NH 48 के खिड़की दौला टोल प्लाजा पर गाड़ी सवार युवकों की दबंगई देखने को मिली। टोल कर्मी के टोल मांगने पर युवक ने पिस्तौल दिखाते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद एक युवक ने खुद ही टोल बैरियर जबरदस्ती ऊपर कर गाड़ी निकाल कर फरार हो गए।
पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। टोल मैनेजर की शिकायत पर खिड़की दौला पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तापसी पन्नू की थ्रिलर फिल्म गेम ओवर का टीजर रिलीज हो गया है। इसमें तापसी व्हीलचेयर पर नजर आ रही है और उनकी पहचान एक रहस्यमय लड़की के रूप में दिखाई दे रही है। 1 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में ज्यादातर घर के अंदर के दृश्य को ही दिखाया गया है। अश्विन सरवनन ने इसे निर्देशित किया है और वाई नॉट स्टूडियो ने रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। फ्रेंच रिवेरा में 72वें कांस फिल्म फेस्टिवल में टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने अपना डेब्यू किया। डेब्यू में हिना ने जेड नेकेड के डिजाइनर सिल्वर शिमरी गाउन को पहना था। मिनिमल मेकअप, न्यूड लिपस्टिक और हेयर बन के साथ वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आपको बता दें, इस दौरान हिना की शॉर्ट फिल्म लॉयंस की स्क्रीनिंग भी कांस में रखी गई थी। ये फिल्म फेस्टिवल 14 मई से शुरू हुआ जो 25 मई तक चलेगा। लखीमपुर खीरी से संजय राठौर के अनुसार गोला तहसील के लखीमपुर रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हीरो बाइक एजेंसी के फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई। सूत्रों की माने तो आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। आग कल 2:30 बजे के आसपास लगी। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। पीलीभीत से निजामुद्दीन राजन के अनुसार सुनगढ़ी के डॉक्टर सतीश गंगवार के अस्पताल में 2 साल के बच्चे का इलाज करा रहे माँ बेटे पर आधा दर्जन दबंगों ने हमला कर दिया। इस हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद आरोपी हजारों रुपए की नकदी, मोबाइल और सोने का नेकलेस लूट कर फरार हो गए। गंभीर हालत में दोनों माँ बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घटना के दौरान एक युवक ने वीडियो बना लिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।